नमस्कार, प्रणाम, गोर लगातनी रुवा लगातार देखत नहीं मैच बॉक्स। आ मैच बॉक्स के टीम लगातार जमीनी स्तर पर काम करती है। आज वही सिलसिला में मैच बॉक्स के टीम दरौली विधानसभा के दून में भी है, जहां जन समस्या के साथ साथ जनता के बात भी सरकार के पास तक पहुंचावे के काम करती है मैच बॉक्स। आइए सिलसिला में हम बात करते नहीं एगो नौजवान से, का नाम है राहुल। सबसे पहले तो हम लोग चैनल के स्वागत करते नहीं। हमारा नाम प्रदीप तिवारी भाई। प्रदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी जी, ये जगह मुख्य समस्या क्या बा? पाँच साल में यह क्या भइल बा? पाँच साल में, चार साल में तो कुछ भइल नहीं है, लेकिन एक साल से लोग कि सब जगह शिलान्यास के वोट तो लागिए गई बा दरौली विधानसभा के अंदर। चार साल में कोनो विकास तो लोकत नहीं है। मतलब रउआ कहे के हिसाब से चार साल में कुछ नहीं भइल, ओकरा पाँच साल पहले का भइल रहल? ओकरा पाँच साल पहले खाली इंटरव्यू में रउआ से हम बताइए दिले रहनी कि पाँच साल पहले वह भइल है जो आज भइल है। मतलब खाली शिलान्यास पर शिलान्यास ही होला। सबसे जन समस्या मानी जमीन से जुड़ल समस्या है, देखी ना मेन रोड चलता वही रोड से गुजरे नहीं हमेशा। इस चीज़ देखे में रुआ मिलत है का कि मैरव से लेकर दरौली तक शायद हमारा देखे से अगर क्षेत्र और लोकल के बात कर जाए तो सबसे अधिक रोड पे यही रोड पे गाड़ी चले ली सर। कौनो नेता हो खस ये रोड के बारे में नहीं खन कहले आना सुनले मारे। जब एक टेंडर होता तो वही पर चेपी सटा जाता आ उजरका पटियवा लग जाता है भाई। आ आए दिन एक्सीडेंट, जब बरखा भइल तो पता चल कि दू चार दस जना गिर गई बड़े रोड पर। रउआ सबसे बड़का घोर समस्या बा ये दरौली और मैरवा मुख पथ खत्ती। मुख्य मुद्दा ये विधानसभा के काबा या ये बाजार के काबा रउआ देखे से? मुख्य मुद्दा ये विधानसभा के तो सबसे बड़का मुख्य मुद्दा बा कि सबसे पहलका काम बा कि कहला लोग स्वास्थ्य सड़क बिजली कि मैंने नेताजी लोग के सबसे बड़का भाषण बा कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो बिजली ला दूंगा, स्वास्थ्य के लिए ई कर दूंगा, रोड बनवा दूंगा, शिक्षा के लिए विद्यालय बनवा दूंगा। दरौली विधानसभा के अंदर आप बता दीजिए कि एक भी डिग्री कॉलेज हो। और सबसे बड़ी समस्या है कि सब लोग बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, बेटी अगर पढ़ाना भी है तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी? अगर बेटी अगर इंटरमीडिएट मानिए घिंच घाच के गांव से पास कर ली गई तो उसके लिए भाट पर जाना पड़ेगा, सलेमपुर जाना पड़ेगा, देवरिया जाना पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश का सहारा या, यानी कि हमेशा उत्तर प्रदेश का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, खाली शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य सड़क हर जगह के समस्या मुद्दा हो जाला हर चुनाव में कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा तो ही करूँगा, मैं चुनाव जीत जाऊँगा तो ई करूँगा, मैं चुनाव जीत जाऊँगा तो ही करूँगा, और कुछ नहीं होता है। ये दोन की धरती है, ये दोन के धरती पर बहुत पहले से आज़ादी के आज़ादी तो छोटे 70-72 साल के बात बा, लेकिन उनका पहले से भी ये धरती के जानल जाला गुरु द्रोण के नाम से। तो गुरु द्रोण के बारे में रहुआ क्या विचार बा? क्या गुरु द्रोण के नाम के ज़्यादा बावल गई या क्या विचार बा? गुरु द्रोण के नाम से दोन में वो मंदिर के लगे वहाँ के माने चीज़ बा जो मतलब शिला टाइप के बा माने बाय वो हम नहीं जाएंगे तो गोड़ लगे नहीं जा। और एगो प्रेजेंट टाइम में जब मंदिर बनल राधा कृष्ण के वही एगो छोट मोट मूर्ति रखा गई आ ओके कोनो ना ओके माने अगर अगर पर्यटक स्थल बना देवे के चाहिए वो जगह के, लेकिन केहू ना नेता के ओजा कोनो ध्यान जला ना विधायक जी लोग के ध्यान जाए, गाँव के मुखिया जी लोग के ध्यान ना जाए कि भाई ये गाँव द्रोणाचार्य के गाँव पर तनि ध्यान दहल जा कोनो चीज़ ना ओके वही कहीं पानी पड़ी दह जाए कोनो दिक्कत नहीं है। बहुत बड़का मतलब भिंडुक रहा आज दहद एकदम जमीन के कुछ समतल तक बचल बा। धन्यवाद रो मैच बॉक्स के टाइम देने, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन निहाल के साथ राजा सिंह, मैच बॉक्स, दून बाजार। आई हम बात करते नहीं दरौली विधानसभा क्षेत्र के ही एगो युवा कर्मठ और प्रतिभा के धनी व्यक्ति चंदन सिंह जी से। चंदन सिंह जी, रउआ समाज से जुड़ल लड़का हैं, समाज से जुड़े समाज सेवी हैं, लड़का समाज का हम कह देने ऐसे कि सबसे साथे रहल बनी। रउआ ये विधानसभा के बारे में पाँच साल में कितना विकास भइल बा? कुछ ना, ये विधानसभा के जे सत्र में जितना भइल बा हमरा तो कुछ नहीं है दिक्कत, कोनो
जौन पहले काम भइल रहे ओकरा बाद कोनो विकास के काम एबेरा भइल बा हमरा नजर से तो कुछ नहीं खेत ओकरा बाद भी अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे अगर कोनो चीज के समस्या बा बड़ा समस्या बा तो बिजली के शिक्षा के आ या वैसन नेता के काम बा कि जे बिजली शिक्षा के काम स्वास्थ्य पर बढ़िया से काम करो वैसन नेता के या काम बा। कहल जाला कि बिजली सरकार देती है सब चीज़ सरकार देती है लेकिन बिजली के लगातार क्षेत्र में हम सुन रहे हैं कि बिजली से लोग बहुत परेशान बा एजा तक कि जे पर लोग बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप भी लगा होता है। जी कल रात में ही पूरा मैंने हमने के गांव के अगल बगल के हमने के जहां से जौन क्षेत्र पड़े ला उनमें लाइन के समस्या इतना ज़्यादा खराब बा कि पूरा फैमिली हमारा गाँव के खुद हमारा गाँव के लोग रात भर सूत नहीं खे पावल आ बिजली के समस्या बहुत दिन पहले से बतावल जात रहा है कि लाइन नहीं खे आवत तो पोल डूबल बा सब तो खत्म हो गई पानी उनी सूख भी गई ओकरा बाद भी बिजली के समस्या इतना खराब बा कि आज बहुत दिन से पैसा तो लिया था बिजली के लेकिन लाइन दिन में भी दो चार घंटा भी सही से नहीं मिलता था रात के रात तो एकदम साफ रहता लाइन रात के रात एकदम साफ रहता है। तो देखिए जैसे ही बियरवा कह देने कि पाँच साल में विधानसभा में कोनो काम नहीं किया तो कैसन प्रत्याशी खोजें काहे कि खुद भी रहा भाजपा के को बहुत अच्छा कार्यकर्ता हैं। जी हम ऐसा चाहत नहीं कि केहू नया चेहरा होखो जो विकास करो युवा के देखो स्वास्थ्य पर शिक्षा पर विकास पर के काम के ध्यान दे आ युवा के बढ़ावा दे बहुत चेहरा के चाहत नहीं कि वैसा चेहरा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई रुआ टाइम देने मैच बर्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ घर हो भाई? धरौली। का नाम हो? हर्ष कुमार श्रीवास्तव। हर्ष कुमार श्रीवास्तव जी कितना काम भइल बा की यहाँ पाँच साल में? पहले के अपेक्षा तनि ठीके भइल बा लेकिन ए बेरी चेंज करे के बा। चेंज करे बा मूड बन गेल बा चेंज करे। हाँ हाँ कैसन नेता खोजत रहे लोग? जुझारू प्रत्याशी जे भी आओ। मुख्य समस्या आ जाके का बा? मुख्य समस्या यह बा कि स्वास्थ्य पे बहुत घटिया यहाँ के स्वास्थ्य बा। धन्यवाद।